नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया नॉलेज शो में। दोस्तों, इराक की राजधानी बगदाद के ग्रीन जोन में आज सुबह सुबह ईरान ने 2 रॉकेट हमले किए हैं। दोस्तों जहां रॉकेट से हमला हुआ वहां सरकारी एजेंसियां है और विदेशी एम्बेसी स्थित है। दोस्तों, इराकी सेना का कहना है कि बगदाद के ग्रीन जोन के अंदर 2 रॉकेट गिराए गए, हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले ईरान ने मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल से अमेरिकी सैन्य ठिकानों और एम्बेसी पर हमला किया था। उस हमले में ईरान ने दावा किया था कि हमने 80 अमेरिकी सैनिक को मार गिराया। दोस्तों, लेकिन दोस्तों कल शाम को डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से बात करते वक्त बोले कि ईरान ने जो हमला किया था उसमें हमारी थोड़ी बहुत हानि हुई है, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, बट कोई अमेरिकी आर्मी का आदमी या कोई अमेरिकी पर्सन या फिर कोई भी मिलिट्री की हानि नहीं हुई, थोड़ी बहुत हानि हुई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ईरान झूठ बोल रहा है? ईरान झूठ बोलकर अपने पब्लिक को खाली गुमराह कर रहा है कि वहाँ पे 80 लोग मारे गए थे हमारे रॉकेट के कल वाले हमले में। हालांकि आज का जो सुबह सुबह 2 रॉकेट हमला हुआ है, इसमें अभी तक किसी भी जान माल की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कल डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने सीधा सीधा ईरान को चेतावनी दिया कि ईरान मेरे रहते हुए कभी भी न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं बन सकता है। ईरान को जल्द से जल्द सीधे रास्ते पर आना होगा, नहीं तो उसके लिए हम खाड़ी में और ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक तैयार करेंगे और भेजेंगे। यहाँ तक कि अमेरिका ने कह दिया कि अब हमें खाड़ी देशों से ऑयल की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम ऑयल में आत्मनिर्भर बन चुके हैं। कहने का मतलब, पहले अमेरिका ऑयल इंपोर्ट करता था खाड़ी के देशों से, जिससे इंडिया अभी भी करता है, लेकिन आज के डेट में अमेरिका खाड़ी के देशों से ऑयल इंपोर्ट नहीं करता है और वो ऑयल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हमारी सेना विश्व में नंबर 1 है, हम जब चाहे जहां चाहे जो कर सकते हैं, लेकिन हम शांति के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं ईरान जल्द से जल्द सीधे रास्ते पर आ जाए। अगर ईरान सीधे रास्ते पर नहीं आता है तो अमेरिका को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। इसके लिए अमेरिका के सैनिक हमेशा तैयार है। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि ईरान के चारों तरफ 9 ऐसी कंट्री है, सऊदी, यूएई, ओमान, कतर, इस तरफ कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऐसे मिला के 9 कंट्री है जहां पर अमेरिकी सेना का बेस है। इन 9 में तकरीबन 45 अमेरिकी बेस है। अगर ईरान हमला भी करता है तो डेफिनेटली ईरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान का सौदा होगा ये। दोस्तों, जो अमेरिका के सैनिक चारों तरफ फैले हुए हैं, चारों तरफ उनका बेस बना हुआ है, इसमें ईरान बच के जाएगा तो जाएगा, कहाँ जाएगा दोस्तों। और दोस्त, बात कर लेते हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने सीधे सीधे हाथ उठा दिया, कहा है कि अमेरिका और ईरान के झगड़े में हमले में हम नहीं आएंगे, न तो हम ईरान का साथ देंगे न अमेरिका का साथ देंगे। लेकिन दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले कश्मीर के मसले पर ईरान का समर्थन मांग रहा था पाकिस्तान, लेकिन अब ईरान को पाकिस्तान की ज़रूरत है तो खुद पिछवाड़ा दिखा के भाग रहा है। बोलो क्या बोलने को पाकिस्तान के बारे में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।